हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आप सभी ने शी हल्क का एपिसोड 2 तो देख लिया होगा, जो कि बहुत ज्यादा कमाल का लगा मुझे। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बट आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कौन कौन सी हिडन डिटेल हमारे सामने आई है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें कि म्यूटेंट्स के बारे में पता चला, वुल्वरिन के बारे में पता चला, आयरन मैन के बारे में पता चला और भी काफी सारी डिटेल्स है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रो के। तो सबसे पहली जो डिटेल निकल के आती है वो निकल के आती है हायरिंग को लेकर, टाइटल्स को लेकर। यहाँ पर शी हल्क की जो टीम ने बहुत ही अच्छी तरीके से काम करा है, उन्होंने हर एक एपिसोड के डिफरेंट टाइटल दिए और जो एपिसोड 2 का टाइटल था वो था हायरिंग को लेकर। आपने नोटिस करा होगा जैसा कि अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर शी हल्क को फाइनली जॉब मिल जाती है और वो सक्सेसफुल एक अच्छी जॉब पाती है, पर वो जॉब बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। तो ये था उसका टाइटल का मतलब, यानी कि सिंपली उनको जॉब से निकाला जाता है और फिर जॉब में दोबारा से हायरिंग मिल जाती है। अब उसके बाद करते हैं न्यूज सुपर हीरो। तो यहाँ पर जो सुपर हीरो का इंट्रोडक्शन दिया गया है वो बहुत ही कमाल का दिया गया है, और जो भी मे बी मैं कह सकता हूँ कि एक तरीके से किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। मतलब जब ब्रूस हल्क बना था तो उसने काफ़ी तोड़फोड़ करी, ठीक है, और वो लोग उसे मॉन्स्टर समझते थे, ठीक है, क्योंकि वो बुरा है। फिर बाद में वो एक सुपर हीरो बना, वो भी 10 साल बाद, ठीक है, लोगों ने उसे एक्सेप्ट करा। 2012 के इवेंट हुए, फिर उसके बाद इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, फिर लोगों ने उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करना चालू करा। तो ये रही थी हल्क की जर्नी। पर शी हल्क के संग यहाँ पे ये हुआ कि शी हल्क जब जेनिफर शी हल्क बनती है कोर्ट के अंदर, तो भाई लोग उसे पसंद करते हैं, पूरा मीडिया उसको कवर करता है और उसको नाम देते हैं शी हल्क, यानी कि पब्लिक उसको पसंद कर रही, पब्लिक ने उसको नाम दिया। तो ये बहुत मुझे चीज अच्छी लगी। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि एक बार का। तो यहाँ पर जब शी हल्क दारू पी होती है बिल्कुल एकदम मस्त, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती, पर वो जेनिफर जैसी बनती है तो एकदम वो टल्ली हो जाती है। तो यानी कि सिंपल का मतलब ये है कि जब आप एक ह्यूमन फॉर्म में होंगे तो आप इजीली, आपको कोई भी मार सकता है, ठीक है, अगर आप सो रहे होते हैं या कुछ भी, बट आप जब हल्क होते हैं तो आपको कोई मार नहीं सकता और आप पर कोई भी इंजेक्शन, दवा या फिर अल्कोहल असर नहीं करते हैं। तो ये बहुत कमाल की डिटेल हमें देखने को मिली, और ये एपिसोड 1 में भी बताया गया था कि हल्क बनने के फायदे क्या है, कि आप खूब टैंकर के टैंकर पी सकते हो। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब बात करते हैं नंबर 4th अपडेट के बारे में, जो कि बहुत ही कमाल की डिटेल है। तो यहाँ पर एवेंजर्स के बारे में चर्चा करी गई है, और जो कि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद भी आया। इसमें बात करें बड़े बड़े एवेंजर्स के बारे में, जिसमें कि आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका और हॉकआई है, ब्लैक विडो है, ठीक है, ये एवेंजर्स की टीम का हिस्सा थे। पर ये लोग जब भी दुनिया को बचाते हैं और जो भी नुकसान होता है, तो ये सेल्फ डिपेंडेंट सुपर हीरो हैं, ठीक है, इनको कोई गवर्नमेंट पेंशन नहीं देती है, तनख्वाह नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें इस एपिसोड में क्लियर हुई, और जो न्यू सुपर हीरो आती हैं वो भी सब इंडिपेंडेंट ही होते हैं, तो गवर्नमेंट का कोई लेन देन नहीं है, ये सारे सुपर हीरो अपनी मर्जी से, स्वयं से दुनिया को बचाते हैं। तो ये डिटेल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और कह सकते हो कि स्पाइडरमैन अपने जाले खुद बनाता था अपने खर्चे पर, क्योंकि ये बात टोनी स्टार्क ने भी कही थी कि इतना महंगा जाला बनाते कैसे हो तुम। तो ये बहुत अच्छी डिटेल निकल के आई शी हल्क के एपिसोड 2 में। चलिए बात करते हैं नंबर 5th पॉइंट के बारे में, जो कि है थंडरबोल्ट से रिलेटेड। थंडरबोल्ट्स अपकमिंग एमसीयू फेज 5 की लास्ट मूवी होने वाली है, जो कि एंटी हीरोज की मूवी होने वाली है, और इसमें कितने कैरेक्टर थे अभी तक ये कंफर्म नहीं था, पर ये सीरीज का एपिसोड 2 कंफर्म कर देता है कि इसमें टोटल 8 मेंबर्स होने वाले हैं, और ये खुद कंफर्म करता है थंडरबोल्ट्स की टीम का एक मेंबर जिसका नाम है अबोमिनेशन, और ये कैरेक्टर ने कंफर्म कर दिया कि मेरे 7 फ्रेंडों ने एक जगह खरीदी है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरी 7 साथियों ने एक प्रॉपर्टी खरीदी है जहाँ मैं शांति से रहना चाहता हूँ। अच्छा, मदद करोगी? तो यानी कि बहुत तगड़ी तैयारी चल रही है, और 4 कैरेक्टर तो कंफर्म हो चुके हैं, एक तो अबोमिनेशन, उसके बाद यूएस एजेंट, फिर येलेना, फिर जीमो। तो ये तो भाई कंफर्म है, और बाकी और 4 कैरेक्टर कौन होंगे ये अभी तक कंफर्म नहीं है। तो धीरे धीरे पता चलता जाएगा, सीरीज आती जा रही है, मूवीज आती जा रही है, और ये फेज 5 की लास्ट मूवी होगी। तो सोचिए अभी से तैयारी चल रही, तो कितना बड़ा लेवल का सेटअप कर रखा है थंडरबोल्ट्स का। अब बात करते हैं नंबर 7 डिटेल के बारे में, जो कि लोगों से रिलेटेड। मार्वल ने जब शी हल्क को इंट्रोडक्शन दिया था, तो उन्होंने एक न्यू लोगो लॉन्च करा था बहुत ही कमाल का, तो उसको कैंसिल कर दिया, पर फाइनली उसकी एक फर्स्ट झलक हमें दोबारा से देखने को मिली इस एपिसोड 2 में। आप स्क्रीन के पीछे देख सकते हैं कि वो सेम टू सेम डिजाइन है, पर नाम अलग है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि वो अपनी पुरानी चीजों को भी यूज कर रहे हैं। अब आपको ये वाली डिटेल और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। तो अब बात हो रही है यहाँ पर शकार की। तो फाइनली हल्क जब जेनिफर से बात करता, उसने मेरे को एक लेटर लिख के दिया जो कि माफीनामा था, और अब मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। और फिर उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है कि भाई वो तो उसी शिप में बैठ के जा रहा है सकार की तरफ, जो कि हमें पहले एपिसोड 1 में दिखाई गई थी। तो यानी कि बहुत तगड़ा वर्ल्ड वॉर सेटअप चल रहा है, और वो सकार पे जाके किससे मिलेगा, तो मुझे ये सीन देखना है, मुझे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है। और शायद इसका हमें कंक्लूजन देखने को मिल सकता है एपिसोड 9 में, कि हल्क ने आखिर किससे मिलने गया।
उसके बाद शायद हमें हल्क देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ डायरेक्ट 9 एपिसोड में देखने को मिलेगा, मुझे जनरली ऐसा लगता है। शायद मे भी एपिसोड 8 और 9 हो सकता है। अब बात करते हैं नंबर 9 डिटेल के बारे में, जो कि बहुत ही कमाल की है। अब आयरन मैन के जाने के बाद लोग उसे इतने ज्यादा पसंद करने लग गए कि अब उसके नाम के शूज भी बिकते हैं। तो इस वाले क्लिप में हमें ये देखने को मिला कि एक ऊपर एड्स आ रहा है जो कि आयरन मैन के शूज का है, उस पर आर्क रिएक्टर छप रहा है। देन उसी के साथ नीचे अगर थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर एक वुल्वरीन का बहुत बड़ा क्लू दिया गया है। एक आदमी लड़ रहा है जिसके हाथ में क्लोज है। अब कौन है वो? तो भाई वुल्वरीन है, सिंपल सी बात है। यानी कि एमसीयू में म्यूटेंट्स इंट्रोडक्शन करा दिए गए हैं और क्लोज वाला आदमी खुलेआम घूम रहा है, तो वो वुल्वरीन ही है और कोई नहीं है। तो ये मुझे अब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई इस चीज को देखकर। और उसी के साथ यहाँ पे एक और डिटेल निकल के आती है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओशन में एक बहुत बड़ा कोई स्टैचू बना हुआ है, यानी कि नेमोर, जो कि हमें अपकमिंग ब्लैक पैंथर मूवी में तो देखने को मिलेगा। और आपको बता दूंगा शी हल्क के बाद आपको ब्लैक पैंथर ही मूवी देखने को मिलेगी। तो यानी कि नेमोर, आयरन मैन और वुल्वरीन तीनों की काफी बड़ी डिटेल इसी में हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिटेल के बारे में, जो कि ये बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तो ये सीन है जेनिफर की फैमिली के बारे में कि जब वो हल्क बनती है तो उसके डैडी समझा रहे होते हैं कि तुम टेंशन मत लो, जब ब्रूस हल्क बनाता तो उसने कितना तबाही मचाई थी, पर तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे सिंपल रेफरेंस दिया जा रहा है इनक्रेडिबल हल्क का। और यहाँ से और चीज़ क्लियर हो जाती है यही कि इनक्रेडिबल हल्क अब एमसीयू का प्रॉपर एक पार्ट है और एक्चुअली में वो मार्क रफेलो ही थे। ये मतलब उन्होंने एक सॉफ्ट रिबूट दिया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। अब बात करते हैं फाइनल डिटेल के बारे में, जो कि बहुत ही कमाल की है। तो थर्ड एपिसोड जो आने वाला है वो हमें क्लियर कर देगा शैंगची वाला मूवमेंट, जिसमें कि वोंग लड़ रहा है अबोमिनेशन से, और वो सीन अब हमें क्लियर करा जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा कमाल का है। बाकी आपको ये डिटेल कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और क्या आपने शी हल्क का एपिसोड 2 देखा या नहीं, और उसी के साथ आपको कौन सा मूवमेंट ज्यादा अच्छा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।